मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने आयुक्त सभागार में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन एवं नर्सिंग होम एसोसिएशन के पदाधिकारियों, अपर निदेशक स्वास्थ्य तथा अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी के साथ बैठक किया। बैठक में मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने कहा कि कोविड-19 संक्रमण के दृष्टिगत लोगों की जीवन रक्षा के लिए देश हित में अपनी सेवाएं प्रदान करें। मंडलायुक्त ने कहा कि जनपद में लेवल 2 एवं लेवल 3 के कोविड अस्पतालों के बेडों की संख्या में वृद्धि की जा रही है, जिसके लिए IMA के डॉक्टरों एवं अन्य पैरा मेडिकल स्टाफ की आवश्यकता होगी। IMA को इस हेतु प्रशासन की सहायता करनी चाहिए। अस्पताल संचालन के लिए सरकारी एवं निजी संस्थाओं को मिलकर काम करना होगा, जिससे अधिक से अधिक लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाई जा सके। उन्होंने कहा कि जो कोरोना संक्रमित मरीज होम आइसोलेशन में, IMA के डॉक्टर्स उनकी भी निगरानी एवं सहायता करें। IMA पदाधिकारियों ने समस्त प्रकार की सहायता का आश्वासन देते हुए प्रकरण एवं सकारात्मक संदेश दिया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने कहा, अब आप लोग इसे अच्छा समझते हैं कि 500 बेड की कोविड फैसिलिटी और वो भी एंट्री लेवल की करना कितना बड़ा चैलेंज है। चैलेंज मतलब ये है कि एक तो हमारी 200 बेड की ऑलरेडी चल रही है, उस 200 बेड में जो है उसमें हमारी मैन पावर लगी हुई है, उसमें हमने 55 वेंटिलेटर कर लिए हैं, 5 और 3 में ऐड करके 7 तक हो जाएगा। आप जो नए निर्देश के क्रम में जो पीछे हमारी 5 मिनट का जो बाल चिकित्सा से स्थान हमारा जल्द हो रहा था, लगभग उनका काम पूरा हो गया है, सर्विसेज से काम बाकी है वो करेंगे, उसमें हमें 300 बेड की कोविड फैसिलिटी करनी है। अब आप समझते हैं 300 बेड की कोविड फैसिलिटी में 100 तो सिर्फ आपका ICU हो गया, इन द सेंस की 50 वेंटिलेटर और 50 आपके HFMC। सो 100 वो यूनिट प्लस 200 में सपोज 5 वार्ड अलग अलग हो गए वो चलाने होंगे। अब उसको चलाने के लिए बाकी जो भी करना है सप्लाई सर्विसेज वो सब हम लोग लगे हुए हैं और इन चीज़ों का उपकरणों का हो जाए। हमें जो आपसे डिस्कस करना था और जो अनुरोध करना था वो ये है कि देखिए आपकी सहायता के बिना करना बहुत संभव नहीं होगा। गोरखपुर जनपद में मैन पावर और सेफ्टी स्पेसिस्ट और जो एमडी मेडिसिन है उनकी उपलब्धता आपको भी पता है। मेरा अनुरोध आपके माध्यम से सारे प्राइवेट सेक्टर को गोरखपुर और गोरखपुर मंडल से यह है कि कोई ये सिर्फ 500 बेड की बहुत बड़ी फैसिलिटी हो जाए तो ये सिर्फ गोरखपुर जनपद के काम नहीं आएगी, आसपास के सभी जनपदों के काम आएंगे। और मेरा अनुरोध ये है कि अगले 3 महीने के लिए हमें मैन पावर के लिए आप लोग मदद करें। उसमें मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, आज एक साथ में जैसे हुआ एक ही साथ मैंने आपको भेजा है बिलिंग मॉडल, तो उसमें एक बिलिंग मॉडल आ गया है जिसमें हम जाके बिलिंग करके दे सकते हैं, तो उस पर आप लोगों को विचार करना चाहिए। और स्पेशली हमें एनेस्थेसिस्ट और एमडी मेडिसिन चाहिए जो है रिकंडीशन भी करा सकते हैं। वही अचानक करने से बात करके एक लिस्ट हमें दे, फिर दो चार को नहीं मानेंगे तो फिर हम वो भी करेंगे क्योंकि हमें करना होगा। आप समझ रहे हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर में हमारी ये लड़ाई इन सप्लाइज की भी चल रही है। इनफैक्ट एक ही हेल्थ बैठे हुए हैं, चारों जिलों से हमने अभी 6 MOs आने हैं और हम उनको मैंने बोला कि 10 और चीज़ें, हालांकि इनका भी 10 ड्रॉप विड्रॉ करना बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अलग से हम एंटू बाकी 3 जिलों में कमिश्नरी के कर रहे हैं। आप कहेंगे तो मैं लिखित भी दे दूंगा कि मैं 30 नवंबर को छोड़ दूंगा। अभी हम 3 महीने जो है वो करेंगे कि मुझे आशा है कि 3 नवंबर 30 नवंबर तक हमने मेहनत से काम किया चीज़ें सुधरेंगी, लेकिन वो बात तो क्या आगे की कहीं ना कहीं आर्थिक संसाधनों की वजह से आर्थिक आवश्यकताओं की वजह से वो कहीं ना कहीं लगे। 5 ऑक्सीजन देने की व्यवस्था की गई सर, इसके अलावा चिकित्सकों की जो कमी देखी जा रही है इसके देखिए चिकित्सक की कमी नहीं है, हर प्रकार की फैसिलिटी के लिए विभिन्न प्रकार के चिकित्सक चाहिए होते हैं। यदि वो L3 फैसिलिटी है तो उसके लिए अलग चाहिए, यदि L1 फैसिलिटी है उसके लिए अलग चिकित्सक चाहिए, और हमारे पास चिकित्सक पर्याप्त हैं।
और इसके साथ साथ हमारी प्राइवेट फैसिलिटीज़ जैसे कि पेनिशिया में काम कर रही है, फातिमा में काम कर रही है, दो और प्राइवेट हॉस्पिटल आ गए हैं। आज मैंने IMA और प्राइवेट चिकित्सालयों की प्रतिनिधियों से भी बात की है, हम यदि ज़रूरत होगी तो हम उनके लोगों को भी प्रयोग कर पाएंगे। सो गवर्नमेंट ने हमें संसाधन दिए हैं, पैसा दिया हुआ है, जिलाधिकारियों को धनराशि दी गई है और वो लोग वॉक इन इंटरव्यू करके अपने जो भी उनको मैन पावर चाहिए, चाहे वो पैरामेडिक्स हो, नर्सेज हो, डॉक्टर्स हैं, उनको मार्केट से हायर कर सकते हैं। इसके लिए कोई भी ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, त्वरित रूप से किया जा सकता है।